स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट्स, इनके ठोस हालत जिसे कहते हैं, उसके बारे में। इट इज़ द थर्ड स्टेट ऑफ मैटर विच हैज़ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। इन सॉलिड स्टेट द मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू वन अनदर एंड आर क्लोजली पैक्ड। द इंटरमोलेकुलर फोर्सेज आर सो स्ट्रॉन्ग दैट पार्टिकल्स बिकम ऑलमोस्ट मोशनलेस। Hence, they cannot diffuse. Solid particles possess only vibrational motion. Students, solid form जो है वो solid state जो है ये matter की तीसरी state है जिसकी मखसूस शक्ल और volume होता है। Solid state में molecules जो हैं वो एक दूसरे के बहुत करीब और आपस में मजबूती से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इस कदर स्ट्रॉन्गली होती हैं, इस कदर मजबूत होती हैं कि पार्टिकल्स तकरीबन जो है वो हरकत नहीं कर पाते, यानी कि वो आपस में इतने जुड़े होते हैं उनको बिल्कुल स्पेस नहीं होती, इसलिए उनमें डिफ्यूजन का प्रोसेस भी नहीं होता। सॉलिड पार्टिकल्स में सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टिपिकल प्रॉपर्टीज। सॉलिड्स एग्जिबिट टिपिकल प्रॉपर्टीज, अ फ्यू ऑफ विच आर डिस्कस्ड हियर, ठीक है। सॉलिड जो हैं वो कुछ अहम खसूसियात रखते हैं जिनमें से जो कुछ हैं यहाँ पर वो डिस्कस की गई हैं। लाइक वन पे, नंबर वन पे हमारे पास है मेल्टिंग पॉइंट। द सॉलिड पार्टिकल्स पोजेस ओनली वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। वन सॉलिड्स आर हीटेड their vibrational energies increase and particles vibrate at their mean position with a higher speed. If the heat is supplied continuously, a stage reaches at which the particles leave their fixed positions and then become mobile. At this temperature, solid melts. इसका मतलब है कि सॉलिड पार्टिकल्स सिर्फ जो हैं वो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी रखते हैं, ठीक है। जब सॉलिड को यानी कि किसी भी ठोस को गर्म किया जाता है तो मॉलिक्यूल्स की वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ती है और पार्टिकल्स अपनी स्पेसिफिक जगह पर तेज़ी से वाइब्रेट करते हैं। अगर कंटिन्यूसली हीट प्रोवाइड की जाए तो एक वक्त ऐसा आता है जब पार्टिकल्स अपनी जो है वो मखसूस जगह को छोड़ देते हैं और फिर मोबाइल हो जाते हैं, यानी कि उस जगह से फिर एक स्टेज ऐसी आती है, ठीक है। स्टेज रीचेस एट विच द पार्टिकल्स हैव देयर फिक्स्ड पोजीशन एंड लीव देयर फिक्स्ड पोजीशंस एंड देन बिकम मोबाइल। एट दिस टेम्परेचर सॉलिड मेल्ट्स। इस टेम्परेचर पर जो है वो सॉलिड वो पिघलते हैं, ठीक है। अब ये जो आगे मैं पढ़ने लगा हूँ ये इसकी डेफिनेशन भी है। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग एंड को एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ये स्टूडेंट्स मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन भी है, ठीक है। The ionic and covalent solids make network structure to form macromolecules. So all such solids have very high melting points. वो temperature जिस पर एक solid जो है वो पिघलना शुरू होता है और liquid state के साथ dynamic equilibrium में होता है वो melting point कहलाता है। तमाम ionic और covalent ठोस यानी कि सॉलिड कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके साथ ही मेरे पास पॉइंट है रिजिडिटी। द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर नॉट मोबाइल, दे हैव फिक्स्ड पोजीशंस, देयरफॉर सॉलिड्स आर रिजिड इन देयर स्ट्रक्चर। सॉलिड के पार्टिकल्स जो हैं वो मोबाइल नहीं होते, ठीक है। उनकी एक स्पेसिफिक स्पेस होती है, स्पेसिफिक जगह होती है, मखसूस जगह होती है, ठीक है। इसीलिए साख्त के लिहाज से सॉलिड जो है वो सख्त होते हैं, रिजिड मीन सख्त, ठीक है। रिजिड होते हैं यानी कि सख्त होते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास जो हमारे आज के टॉपिक का जो है वो लास्ट पॉइंट है, वो डेंसिटी यानी कि सॉलिड की जो है वो और डेंसिटी के बारे में बात करेंगे। सॉलिड्स आर डेंसर देन लिक्विड्स एंड गैसेस बिकॉज सॉलिड पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड डू नॉट हैव एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन दियर पार्टिकल्स। देयरफॉर दे हैव द हाइएस्ट डेंसिटीज अमंग द थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। फॉर एग्जाम्पल डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज 2.70 ग्राम माइनस क्यूबिक सेंटीमीटर, आयरन इज 7.86 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर माइनस क्यूबिक सेंटीमीटर एंड गोल्ड इज 19.3 ग्राम माइनस क्यूबिक सेंटीमीटर। फ्रेंड्स सॉलिड अशिया जो हैं वो लिक्विड और गैसेस की निस्बत भारी होती हैं, हैवियर होती हैं कंपैरेटिवली टू गैसेस और लिक्विड। सॉलिड्स जो हैं वो हैवी होती हैं, भारी होती हैं, ठीक है, क्योंकि सॉलिड के उसकी रीज़न ये है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में मजबूती से एक दूसरे के साथ जकड़े हुए होते हैं, जुड़े होते हैं, और इन पार्टिकल्स के दरमियान खाली जगह नहीं होती, इसलिए ये मैटर की तीनों स्टेट्स में यानी कि मैटर की जो तीनों स्टेट्स हैं सॉलिड लिक्विड्स और गैसेस तीनों हालतों में सबसे ज़्यादा डेंसिटी रखते हैं। मिसाल के तौर पर एल्युमिनियम की डेंसिटी 2.70 ग्राम माइनस क्यूबिक सेंटीमीटर, लोहे की 7.86 ग्राम माइनस क्यूबिक सेंटीमीटर और सोने की 19.3 ग्राम माइनस क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, डेंसिटी एक दफ़ा आप फिर सुनो, सॉलिड अशिया लिक्विड और गैसेस की निस्बत भारी होती हैं। उसकी रीज़न क्या है, उसकी वजह ये है क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं आपस में स्ट्रॉन्गली जुड़े होते हैं, मजबूती से जकड़े हुए होते हैं और इन पार्टिकल्स के दरमियान खाली जगह नहीं होती, ठीक है, क्लोजली पैक्ड एंड डू नॉट हैव एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन दियर पार्टिकल्स, यानी कि वो आपस में मजबूती से जकड़े हुए होते हैं और उन पार्टिकल्स के दरमियान खाली जगह नहीं होती, इसीलिए ये मैटर की तीनों हालतों यानी कि तीन हालतें कौन कौन सी हैं मैटर की, गैसेस लिक्विड और सॉलिड्स, ठीक है, तीनों हालतों में सबसे ज़्यादा डेंसिटी रखते हैं, यानी कि गैसेस और लिक्विड से कंपैरिजन करवाया जाए तो ज़्यादा डेंसिटी इसकी है सॉलिड्स की, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में मजबूती से जुड़े होते हैं, ठीक है, इसलिए ये हैवियर भी कंसिडर होते हैं सॉलिड्स जो हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर एलुमिनियम की जो डेंसिटी है वो 2.70 माइनस क्यूबिक ग्राम सेंटीमीटर है, ठीक है, अब लोहे की जो है डेंसिटी वो 7.86 ग्राम माइनस क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, और सोने की 19.3 ग्राम माइनस क्यूबिक सेंटीमीटर है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स एमसीक्यूज के लिए ये जो वैल्यूज़ दी गई हैं फॉर एग्जांपल यानी कि डेंसिटीज जो दी गई हैं एल्युमिनियम की है, आयरन की है और गोल्ड की है, ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है, और इसके साथ ये डेंसिटी रिजिडिटी और मेल्टिंग पॉइंट जो हैं ये भी अलग से याद कर लेने हैं, ठीक है, और अगर आपको एक्सटेंसिव फॉर्म में आए फिर तो आपने सारा ही लिखना है, अगर अलग से आपसे कुछ पूछा जाए तो वो आपने सारे पॉइंट्स अलग से भी आपको अगर आता होगा तो आप लिख सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स आपका आज का।